मैंने बुलाया नहीं था उसको, मैं एक्चुअली सोच रही थी अल्लाह खैर साड़ियाँ भी मैंने सिलवानी तो नहीं थी। ये तो मतलब किसी के लिए स्टिच की हुई है? नहीं, ये तुम्हारी अपनी डाली जाती है इसको आगे ये ऐसे आएगा। तुम पतली हो है ना, यूं आएगा और यूं होगा और ये बड़ी छोटी सी साड़ी है। फिर जितना उसका काम था। अच्छा हाँ, मैंने सिलवानी तो है लेकिन इस तरह की भी बन जाती है। ये मैंने खुद सिलाई ऊपर ये पट्टी वगैरह खुद लगाई है। ठीक है, ये मतलब मैं मुझे सिलाई अच्छी लग रही है। पल्लू बहुत छोटा है, मेरा पल्लू बड़ा होता है। हाँ, वो पल्लू पे आपकी साड़ी असली है। ठीक, एक ये है साड़ी, तो ये भी मैंने कहा दिखा देती हूँ जिस तरह फिर बाजी हो लेंगे। ये तो बड़ी थी ना, तो मैंने अंदर की तरफ ही फोल्ड कर दी है, मैंने काटी नहीं, मेरे तो खराब हो जाएगा। ये आप ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ रही हूँ। तुम अगर ये इतना ज्यादा इसको वो ना करती तो तुम्हारी ये चुंटे ज्यादा आ जाती। चुंटे थे वो भी सही है, ये इतनी काफी चुंटे हैं। ये देखती हूँ। अच्छा, तुम्हारी सिलाई है तो नीट है। कितनी सिलाई लेती है उस साड़ी की? साड़ी का 3,000 और ब्लाउज वगैरह। ये जो बच्ची अभी आई हुई थी ना, समीना इसका नाम है, ये इशरत जो आती है ना सुबह, उसकी रिश्तेदार है। और मैंने उसको मुझे बताया कि साड़ीज बना लेती है, तो ये आप लोगों को याद होगा कि ये आलिया लेके आई थी मेरे लिए साड़ी। इस तरह से ना इसको खोल लेना चाहिए इधर से। ये देख, बड़ी खूबसूरत साड़ी है। मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं स्टिच करवा लूँ, बिकॉज थोड़ा सा मौसम भी ऐसा अच्छा सा आ रहा है, जैसे बहार का मौसम टाइप ना, तो बहुत बड़ी साड़ी है। ओए होए होए, आई थिंक ये इसका बीच में होगा ब्लाउज़ का कपड़ा। नहीं, आई थिंक ये ब्लाउज है, नहीं ये पल्लू है एंड दिस इज ब्लाउज। कोई पिन नहीं लगाई, अभी मैं सिर्फ एक रफ दिखा रही हूँ कि ये देखें भाई, ये साड़ी बड़ी कोई आउट क्लास साड़ी है। ये देखें, ओए होए होए, ठहरी है, चप्पल उतार लूँ। ये देखें, ये कलर ही बहुत प्यारा है। ये देखें, थोड़ा और पीछे हो जाओ रानी। हाँ, ये देखे, तो ये मैं, ये जो अभी आई हुई थी ना बच्ची, इसकी स्टिचिंग अच्छी है, तो मैं सोचती हूँ कि साथ ही ब्लाउज़ बनवा लूँ और साथ ही ये साड़ी बना लूँ, और आगे जो अच्छा मौसम आए उसमें, जो भी नेक्स्ट डिनर या कोई फंक्शन आए तो उसमें मैं ये पहनूँ। तो आप लोग बताएंगे ये कैसी साड़ी है, इज़ इट वर्थ इट कि मैं सिलवाऊँ? आलिया की चॉइस बहुत अच्छी है और मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है। छली मैंने उबाल ली है, ये वो जो मैं परसों लेकर आई थी छलियाँ, ये वो हैं। साथ हो गया लेमन, नमक, मिर्च, और अब मज़े से खाती हूँ। बस फिर मुजीब आने वाले हैं, आज मेरी छुट्टी थी, मैंने यहाँ पर खूब लेट के अपना रेस्ट वेस्ट किया है। अब यहाँ पर मैं अपनी छलियाँ ले आई हूँ, मुझे भूख लग रही थी क्योंकि तकरीबन 5 बजे का टाइम है। आने वाले हैं मुजीब, मुजीब को भी छली ऑफर कर दूंगी, और फिर मेरे ख्याल में खाना खाने कहीं निकलते हैं बाहर।
मजे किए। छलियां भी कई किस्म की होती हैं, कुछ मीठी होती हैं और कुछ बिल्कुल फीकी सी होती हैं, बट दिस इज स्वीट कॉर्न। मुझे मीठी छली पसंद है। नींबू और निचोड़ लूं। आई थिंक डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी छली एक अच्छी चीज है, क्योंकि इससे पेट भी भर जाता है और इसके ऊपर जो लेमन लगा हुआ होता है ना, उससे सब खाया पिया हजम भी हो जाता है और फाइबर है काफी इसमें। बहुत मजा आया है। तो ये मैंने इतनी खा ली है और बाकी अभी मुजीब आएंगे तो फिर मैंने मुजीब के लिए रख दी है, शायद थोड़ी सी और भी खा लूं। Going to St. Dollars after office hours to buy some movie tickets. कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड चली है ना? हाँ अच्छी चली है, फ्रेश है, ग्रीन। वीकेंड है, मैंने कहा तुम्हें सरप्राइज देता हूँ छोटा सा। कल मेरा ख्याल है मूवी देख लेते हैं। अच्छा ले लिए हैं? वाह भाई वाह। तो कौन सी मूवी है? ऑनेस्ट थीफ, नेल्सन की है। मतलब एक तो थीफ ऊपर से ऑनेस्ट। चले ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मुझे मैं सोच रही थी कहीं बाहर खाना खा ले, फिर स्टेक का करें फाइनल। फाइनल हमने मेरे ख्याल में फाइनल ही एक तो वो इंग्लिश टी हाउस के जो ऊपर कुछ है, यम यम, उसका भी वो है ना। हाँ, उसका तो बफे नहीं, हाई टी है मेरे ख्याल में। लेकिन मेरे ख्याल में स्टेक बहुत अरसा हुआ है। नहीं, बड़ा अरसा हो गया और हज के बाद हम। अच्छा एक और जगह थी जहाँ का बर्गर बहुत अच्छा था, जहाँ जाते जाते बेल बजाते थे आप, वो क्या जगह है? हाउडी हाउडी हाउडी, यस हाउडी। चले कुछ करते हैं प्लान और फिर निकलते हैं। ठीक है, मैं तो रेडी हूँ जी। आप भी कोई नमाज? मैं भी बस नमाज वगैरह पढ़ लूँ और ऊपर पानी दे दूँ उनको, अपने सब्जी को आज भी देखूंगा ना, अब जाना तो है। मीट वगैरह है वो सारा फ्रेश आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा 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 ठीक है, तो अभी शुरू है आप? अच्छा ठीक है। मैं उन्हें कहें कि जो पीसेस हैं स्टेक के, जो मीट है, मीट है जो ताजा है। मुजीब स्टार्ट करें ना। स्टार्ट है। स्टार्ट है। जैसे ये जो है ना, ये जूता, ये जो मेरे साथ है ना पुराने मेरे व्यूअर्स, उनको याद होगा कि ये मैंने जब आलिया आई हुई थी ना तो सना सफी नाज से लिया था। ये देखो, ये एस का निशान। बिल्कुल ठीक है। ये बस है इसी तरह ही, मतलब थोड़ी देर के लिए पहन के, इसको पहन के फुटबॉल नहीं खेलते। तुम को तो फुटबॉल खेलती हो यार। इतना बड़ा मैंने नॉलेज दिया सारों को। हाँ। कि इसको पहन के डोंट प्ले फुटबॉल। बिल्कुल ठीक है। रानी शोर मत मचाओ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये है, ये मेरा पुराना सा सूट है, खाड़ी का। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं रात के टाइम पे इस्लामाबाद की सड़क की एक लुक। वो लाइट को देखो, लाइट 12 रबीउल अव्वल। मैं हां, ओ अच्छा हां, 12 रबीउल अव्वल की वजह से है ये इतनी अच्छी सजावट, और उसके कंट्रास्ट में ये एक अंधेरी सी सड़क है क्योंकि ये सर्विस रोड है। पर अभी हम पहुंचने वाले हैं। भूख लग रही है मुझे? लग रही है, लेकिन इतनी नहीं, अभी छल्ली जो खा ली थी। नहीं, लेकिन छली में तो स्टार्च होती है, इट इज लाइक एन एपेटाइजर। तो बस फिर वो तो हमें तो पता ही है, फिर हमने क्या कहना है। बिल्ली दी किट है तुमने भी? आप देख ले ना, मैं तो बिल्ली दी किट ही। नाचोस वगैरह तो नहीं मंगाने पहले? आई डोंट थिंक सो, कि मैं अपना मेन वो नहीं खा सकूंगी। हां नहीं खा सकूंगी। तो मुझे फिर बुला ले, ऑर्डर दे देते हैं। ओके। मेरा बिल द किट स्टेक, बीफ पनीर चिकन, बीफ मीडियम वेल, यस,
साइड साइड पे वो मेरा मैश्ड पोटैटोस डाइट कोक साथ विद लाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा लेमन ना हो, खट्टा ना। कितनी देर लगेगी? 25 मिनट्स। मेरा जी बिल्ली दी किट कर दें जी। बीफ चिकन? चिकन। साइड ऑप्शन सर? मुझे आप चिप्स और ड्रिंक्स में क्या देंगे? डाइट 7 अप विद लाइम के जैसे ही विदाउट लाइम। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। पता है क्या मैं चाह रही हूँ? कि कुछ ऐसी लाइट हो जो ऊपर हमारे ग्रीन हाउस में लगे, इस तरह की, ये वाली। तो ये देखिए एम्बियंस टेक्सस टेक की कमाल की है वैसे, क्योंकि इसमें जो सारी वेस्टर्न चीज़ें जहाँ से ये स्टेक, जहाँ पे जहाँ की डिश है ये स्टेक, वो सारा बड़ी कमाल तरीके से और बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया हुआ है। जैसे हैट हो गई या सैडल वगैरह, हॉर्स राइडिंग की चीज़ें, और लाइट्स भी बहुत अच्छी हैं यहाँ की, तो आई लव दैट। क्या मैच किस किस का है? पाकिस्तान और इंग्लैंड का, लाहौर में। चलें बस खाते हैं, फिर चल के देखते हैं। खाने का इंतजार बड़ा मुश्किल काम है। लाइट इधर भी चली गई है, वैसे अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। देर में मेरा स्टेक ना खा जाना। इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हो गया। आप लोग तो सिर्फ मुजीब को देख रहे हैं। मैच नहीं देख रहे तुमने? मैच मैं जो यहाँ पे गार्लिक की खुशबू है ना, और ओए होए होए, ओ माय गॉड, क्या मज़ेदार खुशबू। ये मेरा बीफ स्टेक चिकन, चिकन है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना यमी स्मेल कर रहा है, इनका मज़े ही और है, इनको देखने से दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया था हमारा खाना, और जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आती है स्टेक की, एक तो वो जो उसकी सिजलिंग की एक आवाज़ होती है वो, और दूसरा जिंजर गार्लिक का जो एक मज़ेदार सी अरोमा है ना, आई लव दैट। गर्म बहुत है, और मैं सोच रही हूँ कि ये जो है ना, इसको थोड़ा सा अगर उठा दें। ये ठंडा करने का तरीका भाई बड़ा अच्छा है। असल में ना ये अनियन की वजह से सारे गर्म है ये। ओके थोड़ा सा यूँ करके, दैट इज द सीक्रेट है। हाँ, उसी देर तक ये चखती हूँ। वेरी वेरी टेस्टी। Thank you. Thank you. तो काफ़ी अरसे के बाद हमने सोचा कि कोई प्रॉपर डिनर बाहर किया जाए, और यहाँ पर टेक्सस स्टेक हाउस में तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा महीनों के बाद आए हैं, तो हमें इसलिए हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। थोड़ा सा ज़रा गैप दे के किसी भी चीज़ को बार 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 खाएं तो उसमें वो मज़ा नहीं रहता, तो ये जब काफ़ी दिनों के बाद हम आए तो हमने बड़ा इन्जॉय किया ये टाइम। मुजीब ने एज़ यूजुअल अपने लिए चिकन का स्टेक मंगवाया हुआ था, और मैंने बीफ का स्टेक मंगवाया हुआ था। मेरे हिसाब से चपली कबाब और स्टेक, ये बीफ के ना हों तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। बस फिर साथ साथ हम डिस्कस कर रहे थे जो क्रिकेट का मैच होने वाला था,
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तो हम लोग ये एक दूसरे को बता रहे थे कि कौन सी टीम जो है वो किस हिसाब से बेहतर है, और साथ ही साथ हम लोग कुछ मौसमों का जो चेंज हो गया है वो उसका ज़िक्र कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बेसिकली इस्लामाबाद में तकरीबन बचपन से ही हैं और सितंबर अक्टूबर का महीना यहाँ पर अच्छा खासा ठंड का महीना हुआ करता था, मतलब कि पंखे बिल्कुल बंद हो जाते थे और शाम के टाइम पे शॉल्स या कोई हल्के फुल्के हाफ स्लीव स्वेटर्स वगैरह पहनने का मौसम होता था। लेकिन जो ये ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हो गई है उसकी वजह से अभी तक यानी आज 30th ऑफ सितंबर है और अभी तक जो है वो अच्छी खासी गर्मी थी। तो बस ये अभी हम जा रहे हैं घर और बहुत मज़ा आया, और अभी हमारी पूरी गाड़ी में से ऐसे लग रहा है जैसे स्टेक में मुजीब के पास से भी पूरी स्टेक बने हुए हैं मुजीब और मैं भी। तो जी लेट्स गो होम।